जैसे आप लोगों को पता है कोरोना वायरस या COVID-19 के आने के बाद एकदम से जॉब मार्केट में बहुत ह्यूज चेंज आया है, हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है और बहुत सारे लोगों की इस टाइम जॉब जो है रिस्क पे है एंड बहुत सारे लोगों की जॉब इवन चली गई है। तो इस टाइम पे हमें ये फोकस करना चाहिए कि ऐसे कौन से स्किल्स हैं और कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो इस टाइम पे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट एकदम से चेंज हुई है तो कई बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं एंड कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जो ग्रो कर रहे हैं, उन्हें किस टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट है, कौन से स्किल्स आपको आनी चाहिए ऐसी बड़ी कंपनीज में लगने के लिए, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे, अगर आप लेड ऑफ हो गए हो या आपकी जॉब रिस्क पे है तो आपको अपनी न्यू जॉब इस पैंडेमिक में कैसे सर्च करनी है, इसके हम टिप्स देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दी नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे आपको सारा इंटरव्यू रिलेटेड एंड कर रिलेटेड स्टफ मिल। तो सबसे पहले स्किल है, दैट इज यू हैव टू बिकम द डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ऐसा पर्सन जिसको अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग आती है, जिसको SEO की, ऑनलाइन मार्केटिंग की, फेसबुक एड्स की, इंस्टाग्राम एड्स की, इन सब की नॉलेज है, उसको बहुत ज़्यादा एडेड एडवांटेज मिलने वाला है आगे के टाइम में, क्योंकि सारी कंपनीज इस टाइम पे जो फोकस करती हैं वो ऑनलाइन कर रही हैं, क्योंकि पीपल आर अफ्रेड टू गो आउट एंड डू द परचेजिंग, करने में उनको थोड़ा सा डर लगता है या उनको लगता है कि हमें जो ईजिली अवेलेबल ऑनलाइन चीज़ मिलती है, तो हर ब्रांड इस टाइम पे ऑनलाइन आना चाहता है, ऑनलाइन सर्विस देना चाहता है, तो उन लोगों को बहुत एडेड एडवांटेज है। तो इस चीज़ को अगर आप लर्न कर लोगे, अपने स्किल्स को अपग्रेड कर लोगे, तो आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इनकी जो जॉब्स है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। सेकंड नंबर पे आता है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंजीनियरिंग फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है इस टाइम पे, हर कोई चाहता है जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंजीनियरिंग फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है जिसको इस स्पेशली स्किल की नॉलेज है, क्योंकि आगे के टाइम में हम लोग ऐसा चाहते हैं अपकमिंग टाइम के अंदर कि जहाँ पे हमारा ह्यूमन से इंट्रैक्शन कम है हम वहाँ पर जाए, तो इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोगों को जिनको ये आती है उनको बहुत एडेड एडवांटेज मिलेगा। यू हैव टू बिकम मोर टेक सेवी। इस टाइम पे जो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेवी होगा वो इस पेंडेमिक को अच्छे से क्रॉस कर सकता है, स्टेबल रह सकता है। तो आपको इस टाइम पे अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छे से ग्रो करना है, अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए सारी टेक्नोलॉजीज के, जिससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ट्यूशंस के लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बाहर नहीं जाने देंगे। दे वॉन्ट दैट कि उनको अच्छी अकेडमिक की जो ट्यूशंस है वो घर पर मिल जाए, उनको अकेडमिक क्लासेस घर पर मिल जाए, तो वो क्या करेंगे, ऑनलाइन टीचिंग पे फोकस करेंगे। तो आपको इसको एक एडवांटेज मिल सकता है अगर आपको किसी भी चीज़ की अच्छे से नॉलेज है। एंड देन आइदर सिर्फ एकेडमिक ही नहीं है, आप कोई भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स में हो या लैंग्वेजेस में हो, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालना होता है, ग्रो कराना होता है, तो अगर ये ऑप्शन उनके पास होगा तो आपको इससे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देन बिकम टेक सेवी। जितना ज़्यादा आप टेक सेवी होगे, टेक्नोलॉजी आपको उतनी ज़्यादा आती होगी, तो उस टाइम पे आप इस पेंडेमिक में स्टेबल रह सकते हो। तो आपको इस टाइम पे फोकस करना है टू अपग्रेड योर टेक्नोलॉजी। जितनी ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी आती होंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं। देन लर्न कोडिंग एंड डेटा साइंस। इस टाइम पे कोडिंग आती होगी तो भी आपको बेनिफिट है, डेटा साइंस कैसे डेटा के साथ काम करना है, दिस विल गिव यू द एडवांटेज इन इट। दिस इज द टाइम टू अपग्रेड योर स्किल। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड अपने स्किल्स को अपग्रेड करो। जरूरी नहीं है जस्ट गो फॉर द पेड कोर्सेज, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, उन रिसोर्सेज को यूज करो एंड टाइम टू अपग्रेड योर स्किल्स। एंड लेट्स मूव टू द टिप्स, कौन कौन सी टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए इस टाइम पे अगर आप लेड ऑफ हो गए हो तो, राइट। तो सबसे पहला मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि डोंट अज्यूम कंपनीज आर नॉट हायरिंग। हायरिंग बहुत सारी कंपनीज में आज भी चल रही है, लाइक अमेजन अभी भी हायर, अमेजन ने अभी भी निकाली है 1 लाख जॉब्स इन दी डिलीवरी एंड दी फुलफिलमेंट सर्विस। जॉब को ही, जॉब ढूंढने को ही अपनी जॉब बना लो, लाइक अपना लिंक्डइन पे, नौकरी पे, हर पोर्टल पे आप फोकस करो एंड यू विल गेट दी जॉब। ऑनलाइन टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग इस टाइम पे हायर कर रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन के लिए फैकल्टीज चाहिए, टीचर्स चाहिए, जिनको लैंग्वेजेस आती है वो लोग चाहिए, तो इसके अंदर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। कंपनीज जैसे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कंपनीज ही लाइक जूम, स्काइप, उनका बहुत बड़ा ऑप्शन है, दे आर हायरिंग। ऑनलाइन गेमिंग की जो कंपनीज हैं
वो बहुत ज्यादा लोगों को हायरिंग कर रही है, क्योंकि इस टाइम पे ये चीजें बहुत ग्रो कर रही है, ऑनलाइन टीचिंग बहुत ग्रो कर रही है, द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली साइट के जो लोग हैं वो ग्रो कर रहे हैं, जिनको ऑनलाइन गेमिंग थी क्योंकि गेमिंग पे बहुत ज्यादा लोगों का इस टाइम पे फोकस हुआ, तो वो लोग इस टाइम पे हायर कर रहे हैं। तो यू जस्ट नीड टू वाइड योर स्पेक्ट्रम, इस टाइम पे आपको यही करना है। स्टिल यू एनी क्वेरी और एनी डाउट यू कैन जस्ट वॉन्ट टू शेयर योर व्यू, तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट सो दैट आई कैन आंसर यू।